दोस्तों आज हमारे पास मार्फो का आईडीमिया 1300 E3 L1 सीरीज का डिवाइस है, जो कि L1 सीरीज में नया डिवाइस आया हुआ है। इसी डिवाइस का RD सर्विस अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप में कैसे इंस्टॉल करेंगे, इसका फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जो आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में इस डिवाइस का RD सर्विस इंस्टॉल कर रहे हैं या इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसमें विंडोज 10 या 11 होना चाहिए, तभी ये डिवाइस उसमें काम करेगी। तो पहले तो जो लैपटॉप में हम RD सर्विस इंस्टॉल करने जा रहे हैं उस डेस्कटॉप में पहले से इंस्टॉल है लेकिन काम नहीं कर रहा है, तो उससे क्या करेंगे, पहले उस RD सर्विस को अनइंस्टॉल करेंगे। अनइंस्टॉल करने के बाद उसे दोबारा इंस्टॉल करेंगे। तो अनइंस्टॉल करने के लिए पहले तो हम कंट्रोल पैनल में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडीमिया L1 RD सर्विस पहले से इंस्टॉल है, तो पहले हम इसे अनइंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे अनइंस्टॉल होने के बाद एक मैसेज आ जाएगा कि इंस्टॉलर वॉज सक्सेसफुली रिमूव फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कंट्रोल पैनल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद एक और चीज़, यहाँ पे दिस PC में जाएंगे और दिस PC में जाने के बाद जो सी ड्राइव है उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो RD सर्विस मार्फो का इंस्टॉल होता है तो उसका एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। उस फोल्डर को यहाँ पे जितना मार्फो के नाम से और आईडीमिया के नाम से जो भी फोल्डर बना हुआ है उन सभी फोल्डर को डिलीट करेंगे। इन चारों फोल्डर को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद इसे क्लोज कर लेंगे और मार्फो के साइट पे जाएंगे। ये मार्फो की साइट है rdserviceonline.com, इस साइट पे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड पे जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर आ जाएगा। यहाँ पे पुराना जो डिवाइस है MSO 1300 E3 L0 का है, सॉफ्टवेयर यहाँ पे दिया हुआ है और हमें इंस्टॉल करना है RD L1 का, यानी कि MSO 1300 E3 RD L1। तो इस पर क्लिक करेंगे। ये जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज L1 RD https/localhost, इस पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों मैक्सिमम केस में लोकल होस्ट वाला ही जो सॉफ्टवेयर है यही काम करता है, इसी को आप डाउनलोड करेंगे। किसी किसी केस में आपको यहाँ पे HTTP दिया हुआ है इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे यहाँ पे दिया हुआ है 127.0.0.1 इस वाले ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, पैसा लेन देन का काम करते हैं, तो ये लोकल होस्ट ही काम करता है, तो इसे ही डाउनलोड करेंगे। तो अब जहाँ पे डाउनलोड किए हैं वहाँ पे चलेंगे। यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करेंगे, अन्यथा अगर आपके में ये विनरार का, यानी कि इस तरह से जो बुक की तरह दिख रहा है, अगर ऐसा नहीं दिखता है तो आप इस पे क्या कर सकते हैं कि डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली फाइल खुल के सामने आएगी। तो इसे ओपन करेंगे और ये जो सेटअप वाली फाइल है इसे भी ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको सेटअप दिखेगा, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद ये ड्राइवर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये कई स्टेप में होगा, 2 से 3 स्टेप में होगा, तब तक हम वेट करेंगे। ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद अब क्या करेंगे कि अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेंगे एक बार। यहाँ से रीस्टार्ट होने के बाद जो आपके पास मार्फो L1 की डिवाइस है इसे अपने लैपटॉप में प्लग इन करेंगे। डिवाइस को अपने लैपटॉप में प्लग इन करेंगे। प्लग करते ही इस डिवाइस में एक लाइट जलेगी। लाइट जलने के बाद अपने सिस्टम में यहाँ पे देख सकते हैं एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद एक और मैसेज आएगा कि आपकी डिवाइस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, तब तक हम वेट करेंगे। दूसरा जो मैसेज है थोड़ा सा लेट में आता है, तब तक वेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि इन इट प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली इसका मैसेज आ जाएगा। यदि आपका ये मैसेज नहीं आता है तो एक ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और सर्विसेज टाइप करेंगे। सर्विसेज टाइप करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों इसमें क्या है कि जो मार्फो का जो पुरानी डिवाइस थी उसके लिए हम यहाँ से इस मार्फो RD सर्विस को रिस्टार्ट करते थे, लेकिन L1 सीरीज में यहाँ पे इस सर्विस को, यानी कि मार्फो RD सर्विस को रिस्टार्ट नहीं करना है। यहाँ पे आईडीमिया के नाम से एक सॉफ्टवेयर जो हमने अभी इंस्टॉल किया है L1 सीरीज का, तो उसे हमें रिस्टार्ट करना है। तो इस पर इसको सेलेक्ट करके उसके बाद रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो पहला मैसेज आ चुका है इसके बाद एक और मैसेज आएगा सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन का, तब तक वेट करेंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं कि इनेट प्रोसेस कंप्लीट सक्सेसफुली, डिवाइस इज रेडी टू यूज। तो इस तरह से मार्फो के 1300 E3 RD L1 सीरीज का RD सर्विस इंस्टॉल करेंगे। अगर इसके अलावा अगर कोई और आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसका सलूशन देने की कोशिश करेंगे और उस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के देंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।